अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और नज़र न्याज का सिलसिला आपके घरों में भी जारी होगा और अल्लाह ताला कबूल करे सबका। तो अब मैंने कबाब बनने के लिए रख दिए हैं, तो वक्तन फवक्तन आप लोग को दिखाता रहूँगा और दुआ कीजिएगा कि अच्छा बन जाए। बहुत बहुत दिल से बना रहा हूँ, मेहनत से बना रहा हूँ, तो प्लीज़ अच्छा बन जाए। मिलता हूँ आप लोगों से फिर। अब ये अमेज़े की शक्ल में ये ऐसे रेडी हो गया, ठीक है। अब मैं इसको शेप दूंगा टिक्कियों की और फिर इसको फ्राई करके तो फिर बांटूंगा, ठीक है। आई होप कि अच्छा बने मज़े का। मैंने कहा आपको थोड़ा सा दिखा दूं, आज की ये न्याज है। पीछे शोर भी आ रहा होगा आपको काफ़ी, उसके लिए माजरत, घर में काफ़ी मेहमान भी हैं। तो आज मैंने पहले नान हलवा सोचा था, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, नान टिक्कियाँ बांटूंगा ना, मुझे खुद पर्सनली बहुत पसंद है। तो आज की न्याज मैं नान टिक्कियाँ बांट रहा हूं। मिलता हूं आपसे, आगे दिखाता हूं। ये अभी जो है ना, फ्राई करनी है मैंने सारी टिक्कियाँ, शामी कबाब, और अभी बस नान आ रहे हैं और फिर नान में रख के बांटूंगा और आप सबके लिए दुआ करूँगा। आज की नियाज रेडी है और दिल बहुत मेरा, आज दिल बहुत परेशान है। दुआ कीजिएगा सब मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए और आप सबके लिए। तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन आज दिल बहुत दुखी है, बहुत टूटा हुआ दिल है मेरा। बस मैं फ्री हुआ हूँ, बैठा हूँ, आकर न्याज बांटी है सारी। और मैंने कहा आपसे कुछ कर लूँ बात। आज 8 मुहर्रम और आम आपको पता है कि मौला गाजी अब्बास के नाम से मनसूब किया जाता है ये दिन। और मेरी तो बचपन से एक चीज़ दिल में, मुझे नहीं पता कि कैसे आ गई, और मेरी तो उनसे बहुत उनसियत, बहुत रहबत। और जो लोग मुझे जानते हैं, अब आप लोग भी, तो आपको भी बताना चाहूँगा कि मेरी एक नस्बत है उनसे बहुत ज़्यादा। और हमेशा जो भी काम दिल में सोचा उनकी वसादत से पूरा हुआ, और जितनी दुआएं उनके नाम से मांगी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अभी तक सब पूरी हैं। और आज बाकी दिनों में भी एक उनसियत मोहब्बत थी, लेकिन आज की न्याज बनाते वक्त और बांटते वक्त एक रिकत जारी थी, एक वजह था। और इतने आंसू, इतना दिल भरा था, इतना रोया मैं, मुझे नहीं पता कैसे कि इतने आंसू आंखों से निकले कि समझ नहीं आ रहा था कुछ। बस दिल में एक ही दुआ थी कि कबूल फरमाएं जिनके नाम की है, और अगले साल पता नहीं ज़िंदगी मौका दे ना दे। तो बस दिल बहुत मगमूम था, भारी था दिल बहुत। पर उसके बाद इतना पुरसकून दिल हो गया, इतनी आसानी हो गई, इतनी रवानी हो गई। तो बस उनका करम है सब के चल रही है बात। और शहनशाह वफा आप सबको पता है, और क्या उनके बारे में क्या, मैं तो कुछ नहीं हूँ बात करने वाला, उनके बारे में क्या बात करूँ। आप सब जानते हैं अल्फाज के तारीफ़ के मोहताज नहीं है। और क्या हैबत थी, क्या जलाल, यजीद ने 9,00,000 फौज मंगवाई, 56 मुल्कों को कॉल की गई, कासिद भेजे गए कि आपकी फ़ौज की ज़रूरत है। उन्होंने कहा ऐसी कौन सी बड़ी फ़ौज से मुकाबला है, ऐसा क्या हो गया। तो यजीद ने कहा फ़ौज तो बड़ी नहीं है, 72 लोग हैं, वो भी फ़ौज नहीं है, कुंबा है किसी का, 72 लोग हैं, लेकिन एक बंदा ऐसा है जिसका नाम है अब्बास। तो उसका डर, उसकी हैबत, उसका जलाल इतना है कि सिर्फ उसके लिए ये 9,00,000 बंदा मैं मंगवा रहा हूँ। और हिकमत देखें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, कि उन्होंने जिस बंदे के लिए 9,00,000 फ़ौज मंगवाई गई अब्बास के लिए, तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अब्बास को तो लड़वाया ही नहीं। तो ये उनकी शान और ये उनका नाम। तो बस दुआ है सबसे मजदन पाक से के दिल को मुनव्वर रखें ऐसे। और जो चीज़ मैं फ़ील कर रहा हूँ, अगर कोई ऐसा बंदा जिसके दिल में वो चीज़ नहीं है अभी, तो अल्लाह ताला उसको भी
روشناس کروائے اس سے کوئی بھی دل خالی نہ رکھے اہل بیت کی محبت سے، پائتن پاک کی محبت سے۔ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے کل، مجھے رکھیں اپنی دعا میں یاد۔ خدا حافظ۔